तो देखेंगे बिहार की योजना में, ठीक है, जून का कुछ योजना है उसको देख लेते हैं, ठीक है। जून से करेंट अफेयर से परफेक्शन के मैगजीन का है, ठीक है। तो शुरू करते हैं सबसे पहले बिहार की योजना में, देखें पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना। इसमें क्या था, तो एक प्रकार की नई छात्रवृत्ति योजना है, ठीक है। पात्रता की बात करेंगे, पिछड़े और अत्यंत पिछड़े परिवार की जिनकी वार्षिक आय 3 लाख रुपए से अधिक नहीं है वह इसके पात्र होंगे, ठीक है। पात्रता की बात के पिछड़े और अत्यंत पिछड़े वर्ग परिवार जिनकी वार्षिक आय 3 लाख रुपए से अधिक नहीं होगी वो इनके पात्र होंगे। अब देखेंगे शामिल धाराएं की बात करेंगे, तो चिकित्सा, इंजीनियरिंग, प्रबंधन और कानून आदि है। लाभ की बात करें, लाभ क्या मिलेगा, ठीक है। वार्षिक छात्रवृत्ति 1 लाख रुपए से लेकर 4 लाख रुपए तक का मिलेगा, ठीक है, जिसको बोलेंगे पोस्ट छात्रवृत्ति, पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना है, ठीक है। मान्यता प्राप्त गैर सरकारी सिस्टम संस्थाओं में पढ़ने वाले छात्रों की तुलना में सरकारी सिस्टम संस्थाओं में पढ़ने वाले छात्रों को प्राथमिकता दी जाएगी, ठीक है। तो मान्यता प्राप्त गैर सरकारी सिस्टम संस्थाओं में पढ़ने वाले छात्रों की तुलना में सरकारी शिक्षण संस्थाओं में पढ़ने वाले छात्रों की प्राथमिकता दी जाएगी, ठीक है। तो ये आपका कौन सा योजना है, पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना बिहार सरकार की योजना है। इससे कौन लाभान्वित होंगे, तो पिछले और अत्यंत पिछड़े वर्ग के जो बच्चे जो होंगे वही लाभान्वित होंगे। वार्षिक आय 3 लाख रुपए से अधिक नहीं होगी वह इनके लाभ के पात्र होंगे, ठीक है। कितना पैसा मिलेगा, तो वार्षिक छात्रवृत्ति 1 लाख रुपए से लेकर 4 लाख रुपए तक का दी जाएगी, ठीक है। दूसरा योजना है केसीसी, ये तो मेंस के लिए इंपोर्टेंट है। केसीसी, केसीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, किसान क्रेडिट कार्ड होता है। क्या होता है केसीसी का फुल फॉर्म, तो किसान क्रेडिट कार्ड होता है। सरकार ने केसीसी योजना के तहत ऋण वितरण लक्ष्य को दोगुना कर दिया है। ऋण स्वीकृत कितना किया गया, 5 अरब रुपए जो है ऋण स्वीकृत किया गया, ठीक है। अब बिहार राज्य सरकार सहकारी बैंक द्वारा सभी 38 जिलों में, ठीक है, 1,50,000 पंजीकृत किसानों के बीच में वितरित किया जाएगा। लाभार्थी कौन होंगे, किनको लाभ मिलेगा केसीसी क्रेडिट कार्ड योजना का, तो अन्य किसानों में पैक्स, ठीक है, वेज फेड, मत्स्य पालन, पशुपालन के जो किसान जो होंगे उनको ये लाभ मिलेगा, ठीक है। गत वर्ष 2021-22 की बात करेंगे तो लगभग 50,000 किसानों को, ठीक है, 133 करोड़ रुपए, 133 करोड़ 52 लाख रुपए का ऋण वितरित किया गया था, ठीक है, ध्यान में आपको ये रखना है, ठीक है। तो अभी वर्तमान में बात करेंगे, सरकार ने इसे 5 अरब रुपए का मतलब क्या किया है, ऋण स्वीकृत किया है, जिससे बिहार के मतलब क्या होंगे, तो 38 जिला मतलब इसे क्या होंगे, लाभ मिलेगा, ठीक है। आज आपका डेली करंट अफेयर्स वाला नहीं आया है, ठीक है, इसीलिए मैं सोच रहा हूँ ये करवा दूँ। एक योजना दिव्य प्रकाश, ठीक है, दिव्य प्रकाश क्या थे, तो दिव्य प्रकाश की बात करेंगे, तो ये बीपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपोर्टेंट है, ठीक है। तो नासा का जो मिशन जो था, ठीक है, नासा का जो मिशन है आर्टिमिस मून मिशन के कार्यक्रम में रोबोट टीम में शामिल थे, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ये दिव्य प्रकाश जो है कहाँ के रहने वाले, तो मुजफ्फरपुर के रहने वाले है, ठीक है। आर्टिमिस मिशन की बात करेंगे तो उसमें 4 सदस्यीय टीम है, जिसमें से एक महिला भी है, जिनका नाम क्या था, क्रिस्टीना कोच, ठीक है। दिव्या ने प्रिवरेंस रोवर में, ठीक है, कैटरपिलर ट्रैक लगाने का आइडिया दिया, जिसे रोवर फंस न जाए, ठीक है। उन्होंने एक उन्नत वायु, ठीक है, वायवीय प्रणाली स्थापित करने का विचार दिया, जिसे नासा द्वारा चुना गया था, ठीक है। तो दिव्य प्रकाश की बात करेंगे तो नासा के आर्टिमस मून मिशन कार्यक्रम में रोवर टीम में ये शामिल है, मुजफ्फरपुर के रहने वाले हैं। दरभंगा एयरपोर्ट से भी प्रश्न है, ठीक है, दरभंगा एयरपोर्ट से, एयरपोर्ट चर्चा में था, तो क्षेत्रीय हवाई संपर्क योजना उड़ान के तहत देश का शीर्ष हवाई अड्डा, ठीक है, 15 अप्रैल 2023 को, ठीक है, 2.5 वर्षों में, ठीक है, 15 अप्रैल 2023 तक 2.5 वर्ष में 14,13,510 यात्रियों, ठीक है, 9,610 उड़ानों को संभाला है, ठीक है। इसका उद्घाटन 8 नवंबर 2020 को हुआ था। कब हुआ था, दरभंगा एयरपोर्ट का उद्घाटन 8 नवंबर 2020 को हुआ था। यह राज्य में 9,000 फीट का सबसे लंबा रनवे हर भारतीय वायुसेना के नियंत्रण में है। तो दरभंगा एयरपोर्ट की बात करेंगे, किसके नियंत्रण में है, किसके नियंत्रण में है, तो भारतीय वायुसेना के नियंत्रण में है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। रनवे की बात करेंगे ना, 9,000 फीट वाला मतलब ये रनवे है। उड़ान की बात करेंगे, उड़ान योजना है, जिसका मतलब थीम क्या है, तो उड़े देश का आम नागरिक, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखें। कब शुरू की, किसके द्वारा शुरू किया गया था, तो नागरिक उड्डयन मंत्रालय के द्वारा इसको शुरू किया गया था, ठीक है। अब चलेंगे उद्देश्य की बात करेंगे, तो क्षेत्रीय ग्राम संपर्क को मतलब प्रोत्साहित करना इसका उद्देश्य है, ठीक है, और जनता के लिए हवाई यात्रा को मतलब वहनीय बनाना है। उड़ान के सहित पहली उड़ान दिल्ली और शिमला के बीच में हुई थी, ठीक है। तो पहली उड़ान की बात, उड़ान के तहत, ठीक है, पहला उड़ान योजना जो है जिसका थीम जो है उड़े देश का नाम नागरिक, उसमें पहला उड़ान कहाँ से कहाँ तक चला था, तो दिल्ली और शिमला के बीच में चला था, जो कि 2017 में चला था, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। सरकार की एक योजना और भी है, ठीक है, भूमिहीनों की पहचान करना। राज्य में कमजोर वर्ग के उन परिवारों की मतलब क्या करना है, पहचान करने के लिए मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया जो भूमिहीन है, ठीक है। तो राज्य में कमजोर वर्ग के उन परिवारों की पहचान करने के लिए मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया जो कि मतलब भूमिहीन है, ठीक है।
द्वारा शुरू किया गया आलोक कुमार मेहता, बिहार के मतलब क्या है, तो बिहार के राजस्व और भूमि सुधार मंत्री है, ठीक है। सर्वे को मतलब बोलते हैं 2023 तक मतलब किया जाना है। लाभान्वित कौन होगी, किनको लाभ मिलेगा, तो चयनित हितग्राहियों का पक्के मकान बनाने हेतु मतलब भूमि उपलब्ध कराया जाएगा, ठीक है। लक्ष्य की बात करेंगे तो दिसंबर 2023 तक हितग्राही परिवारों को बास भूमि उपलब्ध कराया जाएगा, मतलब उनको जो भूमिहीन जो है उनको मतलब क्या किया जाएगा, भूमिहीन मतलब उनको क्या दिया जाएगा, भूमि दिया जाएगा। और कितने दिया जाएगा ना, 5 DC मिल की भूमि दी जाएगी और उन्हें समूहों में बसाया जाएगा, ठीक है। तो ये भी ध्यान में रखिएगा, बिहार सरकार की योजना है भूमिहीनों की पहचान करना, इसके लिए एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया, उसमें 5 DC मिल की भूमि मतलब दी जाएगी, ठीक है। जातिगत सर्वेक्षण आया, ये देख लेते हैं, तो पटना उच्च न्यायालय ने बिहार में किए जा रहे जाति आधारित सर्वेक्षण पर रोक लगाने का आदेश दिया है। अखिलेश कुमार द्वारा दायर एक याचिका ने अदालत को बताया कि सरकार आकस्मिक निधि का दुरुपयोग कर रही है। आकस्मिक निधि मतलब क्या होता है, उसका दुरुपयोग कर रही है सरकार, ठीक है, जो कि मतलब फंड होता है एक तरह का। इस तरह के सर्वेक्षण राज्य के अधिकार क्षेत्र से बाहर है। राज्य के लिए एडवोकेट जनरल पीके शाही ने कहा कि जन कल्याण के लिए योजनाएं बनाने के लिए सर्वेक्षण किया जा रहा है। तो मतलब राज्य का एडवोकेट जनरल कौन है, पीके शाही, जो कि सरकार का पक्ष रखा, ठीक है। सर्वे का दूसरा चरण 15 अप्रैल से शुरू हुआ था और 15 मई तक पूरा किया जाना था, ठीक है। हालांकि बाद में जाकर रोक हट गया, फिर जातिगत आरक्षण हुआ भी और उसका रिपोर्ट भी आया है, ठीक है, तो उसको हम लोग आगे चल के देखेंगे। देखेंगे पर्यावरण मुआवजा के ऊपर बात करेंगे, तो यहाँ पर 4,000 करोड़ रुपया का पर्यावरण मुआवजा लगाया गया है, ठीक है, बिहार के ऊपर। तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल NGT ने बिहार पे 4,000 करोड़ रुपया का पर्यावरण मुआवजा लगाया। कारण क्या था, तो वायु प्रदूषक भुगतान करता है, ठीक है, सिद्धांत के अनुसार वैज्ञानिक रूप से ठोस और तरल कचरे का प्रबंधन करने में विफल रहने के लिए क्यों लगाया गया। अगर पूछेगा बिहार के ऊपर पर्यावरण मुआवजा जो 4,000 करोड़ का लगाया गया, क्यों लगाया गया, ठीक है, तो बात करेंगे प्रदूषण भुगतान करता है सिद्धांत के अनुसार वैज्ञानिक रूप से ठोस और तरल कचरे का प्रबंधन करने में विफल रहने के लिए, ठीक है। ध्यान रखें, राशि को 2 महीने के भीतर रिंग फेंस खाते में जमा किया जाना चाहिए, ठीक है। तो 2 महीना के अंदर मतलब क्या, ठीक है, तो ध्यान में रखेंगे, तो 2 महीना के अंदर मतलब क्या होना चाहिए, रिंग फेंस खाते में मतलब राशि को जमा कर देना है 4,000 करोड़ रुपये, ठीक है। अब ये राशि का उपयोग किस तरीके से किया जाएगा, 4,000 करोड़ रुपया दिया जाएगा, क्यों कैसे किया जाएगा, तो ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण सुविधाओं की स्थापना की जाएगी, विरासत कचरे का उपचार किया जाएगा, सीवेज उपचार संयंत्रों, ठीक है, STP की स्थापना होगी। मतलब बिहार सरकार जो 4,000 रुपया जो देगी उनका प्रयोग भी इसी क्षेत्र को मतलब सफल बनाने के लिए मतलब किया जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे और भी प्रश्न है, 11.7 लाख मीट्रिक टन से अधिक का विरासत अपशिष्ट और साथ ही प्रतिदिन, ठीक है, 4,072 मीट्रिक टन का असंधारित शहरी कचरा था। तरल अपशिष्ट उत्पादन और उपचार में अंतर प्रतिदिन, ठीक है, 21,93 मिलियन लीटर था, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। इसी तरह का प्रश्न सब इस पर BPSC में पूछा था, इसलिए हम लोग को एक अच्छे इंस्टीट्यूट का एक मैगजीन करके जाना चाहिए ताकि आगे हमको लोग को दिक्कत ना हो, ठीक है। हम लोगों ने इसको मैगजीन को बहुत अच्छे तरीके से किया भी था, इसलिए हम लोग को लाभ भी मिला, लेकिन हम लोग शुरू से ही करेंगे तो 70 BPSC में हमारे लिए बहुत ज्यादा अच्छा रहने वाला है, ठीक है। अब देखेंगे भागलपुर में कोयला ब्लॉक मिला है, भागलपुर में मिले 2 बड़े कोल ब्लॉक, कहाँ कहाँ मिला था, 2 नए कोल ब्लॉक मिला है मिर्जा गांव और लक्ष्मीपुर में। कहाँ पे मिला है, तो मिर्जा गांव और लक्ष्मीपुर में मिला है। मिर्जा गांव कोयला ब्लॉक की बात करेंगे तो यहाँ पे 2300 मीट्रिक टन का अनुमानित भंडार है, जबकि लक्ष्मीपुर कोयला भंडार की बात करेंगे तो 1,035 मीट्रिक टन का अस्थायी भंडार है, ठीक है। कोयला खदान योजना डिजाइन संस्था लिमिटेड रांची द्वारा मतलब पहचाना गया है, ठीक है। तो कोयला खदान योजना डिजाइन संस्था मतलब कहाँ है, रांची में है, उसके द्वारा पहचाना गया है। भागलपुर में 2 जगह कोयला ब्लॉक मिला है, एक कहाँ पे मिर्जा गांव में, दूसरा कहाँ पे मिला है, लक्ष्मीपुर में मिला है, ठीक है। बिहार सरकार के द्वारा एक मिशन परिवर्तन चलाया गया, उद्देश्य क्या है मिशन परिवर्तन का, तो स्वच्छता और मे आई हेल्प यू डेस्क सहित सभी मेडिकल कॉलेज अस्पतालों की स्वास्थ्य पे मतलब क्या करना है, सुधार करना है। यह जिला अस्पतालों की स्थिति सुधार के लिए 60 दिन के तर्ज पे मतलब होगा, ठीक है। तो मिशन परिवर्तन जो है स्वास्थ्य सेवा से संबंधित है, ठीक है। बिहार सरकार का चौथा कृषि रोड मैप आ गया, आपको पता होना चाहिए। तो बिहार कैबिनेट ने राज्य के चौथे कृषि रोड मैप को मंजूरी दी है, अनुमानित लागत अगले 5 वर्षों में 1.62 लाख करोड़ रुपए है, ठीक है। ये कब से कब तक लागू होगा, तो ध्यान रखें 1 अप्रैल 2023 से लेकर 2028 तक मतलब जारी रहेगा, चौथा कृषि रोड मैप याद आपको रखना है, ठीक है। BFIQR ऐप, ठीक है, बेफिक्र, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, बेफिक्र ऐप बोलेंगे, ठीक है। बेफिक्र ऐप का संबंध किससे, हम लोग बजट में भी देखा था, इस ऐप का चर्चा था, तो
तो किसके द्वारा शुरू किया गया था? सबसे पहले जल संसाधन विभाग के द्वारा इस ऐप को शुरू किया गया। बेफिक्र बाढ़ और सिंचाई त्वरित प्रतिक्रिया के लिए बिहार का इस सिस्टम है, ठीक है। मतलब बाढ़ और सिंचाई में त्वरित प्रतिक्रिया के लिए बिहार का इस सिस्टम है। उद्देश्य क्या रहेगा? तो बिहार में बाढ़ और सूखे के प्रभाव को कम करना। कार्य की बात करें, किस तरह के कार्य करेगा? तो एक संचालित प्रणाली के माध्यम से बाढ़ एवं सिंचाई से संबंधित आवश्यक जानकारी वास्तविक समय में, मतलब क्या करना, प्रदान करना, मतलब रियल टाइम में, मतलब क्या करना, प्रदान करना है। जैसे बाढ़ आया तो तुरंत मतलब लोगों को जानकारी दे देना है, आप लोग सही समय से, ठीक है, ऊंचे स्थान पे चले जाए, जिससे जान माल की कम से कम क्षति हो पाए, ठीक है। तो बेफिक्र ऐप ध्यान में रखिएगा, बाढ़ और सिंचाई त्वरित प्रतिक्रिया के लिए बिहार का ये सिस्टम है। अब यहाँ पे देखेंगे प्रसूति देखभाल के लिए, ठीक है, कौशल संवर्धन केंद्र, ठीक है, कहाँ पे शुरू हुआ है? तो पटना में शुरू हुआ है। किसके द्वारा शुरू किया गया था? फेडरेशन ऑफ, ठीक है, फेडरेशन ऑफ ऑस्टेटिडिएशन एंड ठीक गायनोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के द्वारा, जिसको संक्षेप में क्या बोलते हैं, FOGSI बोलते हैं, उसके द्वारा शुरू किया गया, ठीक है। भारत के पूर्वी क्षेत्र में अपनी तरह का पहला है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। यह CASE कार्यक्रम के तहत पंजीकृत सुविधाओं के लिए मान्यता मानकों के आधार पर गुणवत्ता परीक्षण प्रदान करता है। मतलब प्रसूति के समय, ठीक है, जब महिला का जब प्रेगनेंसी के समय, मतलब प्रसूति जब हो, उस समय किस तरीके से देखभाल किया जाए, उसको ट्रेंड करने के लिए बनाया गया है। जो कि कहाँ पे शुरू हुआ है? तो पटना में शुरू हुआ है, ठीक है, ध्यान में रखना है। मखाना को बिहार का GI टैग मिल चुका है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे मखाना अनुसंधान केंद्र की बात करेंगे तो दरभंगा में, ठीक है, दरभंगा में मखाना अनुसंधान केंद्र को राष्ट्रीय मखाना अनुसंधान केंद्र के रूप में मतलब स्वरूप दिया गया है, ठीक है, ध्यान में रखिए कहाँ पे है? तो दरभंगा में है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद जिनको ICAR द्वारा राष्ट्रीय दर्जा वापस मिला, ठीक है, पहले ले लिया गया था लेकिन फिर से इनको राष्ट्रीय दर्जा वापस दे दिया गया है, ठीक है। ICAR के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत क्या है? तो यहाँ पे देखेंगे NRC क्या है, NRCM, ठीक है, इसके बारे में जान लेते हैं, ठीक है। इसका फुल फॉर्म क्या होगा? तो इसका राष्ट्रीय मखाना ठीक है अनुसंधान केंद्र होगा, ठीक है, ध्यान रखिए। 2002 में स्थापित हुआ था। किस किस तरह से काम करेगी? तो मखाना पे संरक्षण रखेगी, अनुसंधान और विकास का ध्यान रखेगी, मछली सहित अन्य जलीय फसलों को शामिल करने के लिए अब जनादेश का विस्तार किया गया है, ठीक है। तो ध्यान रखिए कहाँ पे है ये मखाना अनुसंधान केंद्र? दरभंगा बिल्कुल ठीक है, बिहार के दरभंगा में, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। अतिरिक्त जानकारी की बात करेंगे तो मिथिला क्षेत्र मखाला, ठीक है, मिथिला क्षेत्र में मखाला जिसका नाम क्या है, लोमड़ी अखरोट, ठीक है, क्या नाम है, लोमड़ी अखरोट, ठीक है, ध्यान में रखिएगा, क्या नाम है, लोमड़ी अखरोट के वैश्विक उत्पादन 90% अकेले मतलब तो क्या करता है, बिहार करता है। अत्यधिक पौष्टिक जलीय फसल है मखाना। कैसे फसल है? जलीय फसल है, जल में होता है, ठीक है। अगस्त 2022 में मखाना को GI टैग मेकिंग मिला है। क्या मिला है? तो मखाना को GI टैग मिला है अगस्त 2022 में, ठीक है। मखाना बिहार में 15वीं GI टैग की नई वस्तु और 5वां कृषि उत्पाद है, ठीक है। तो बात करें मखाना की बात करेंगे तो बिहार में, ठीक है, 15वीं GI टैग की वस्तु है, ठीक है, और 5वीं क्या है? तो आपका कृषि उत्पाद है, ठीक है। तो GI टैग बहुत सारे चीजों में दिया जाता है। तो कृषि उत्पाद के क्षेत्र में देखेंगे तो मखाना का स्थान जो है 5वां नंबर का है, ठीक है। और बात करेंगे ऐसे ओवरऑल बात करेंगे तो मखाना का स्थान बिहार में 15 है, ठीक है, ध्यान में रखना है। अब देखेंगे दरभंगा मखाना के लिए एक जिला एक उत्पाद योजना ODOP के उत्कृष्ट कार्यान्वयन के लिए 2021 में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार से भी सम्मानित है, ठीक है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर पोस्ट हार्वेस्ट इंजीनियरिंग एंड ठीक है टेक्नोलॉजी सीवेट लुधियाना, ठीक है, ध्यान में रखिएगा, इसके द्वारा भी मान्यता प्राप्त है। तो मखाना को बिहार का GI टैग दिया गया, 15वां नंबर का GI टैग मिला है, कृषि उत्पाद में 5वां नंबर का है, मखाना अनुसंधान के दरभंगा में है, ठीक है, ये देखिएगा। उसके बाद करेंगे मखाना का, जो मखाना जो मिलता है लोमड़ी अखरोट के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, 90% अकेले उत्पादन मतलब कौन करता है? तो बिहार करता है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। मखाना NRCM कब स्थापित हुआ था? 2002 में स्थापित हुआ था। फिर से इसको राष्ट्रीय दर्जा मतलब दे दिया गया, किसके द्वारा? तो ICAR के द्वारा राष्ट्रीय दर्जा इसको वापस दे दिया गया है, ठीक है, ध्यान में रखना है। आगे चलेंगे तो खाद्यान्न उत्पादन के लेके प्रश्न है, उसको भी जरा देखते हैं। तो वर्ष 2022-23 में खरीफ सीजन के लिए खाद्यान्न उत्पादन का तीसरा अनुपान संकलित किया गया। गेहूं का उत्पादन कितना था? तो 63 लाख मीट्रिक टन था। एक पेज और बिहार है, खत्म हो जाएगा, उसके बाद नेशनल करेंगे, ठीक है। तो गेहूं का उत्पादन कितना था? तो 63 लाख मीट्रिक टन था। और चावल का उत्पादन कितना था? तो 76 लाख मीट्रिक टन था, ठीक है। कुल खाद्यान्न उत्पादन की बात करेंगे तो 180 लाख मीट्रिक टन था। 2021-22 की तुलना में थोड़ा कम, जब राज्य ने 184 लाख मीट्रिक टन का
रिकॉर्ड किया था, ठीक है। तो 2021-22 में 184 लाख मीट्रिक टन था, लेकिन 2022-23 में बिहार का खाद्यान्न उत्पादन कितना हो जाएगा, तो 180 लाख मीट्रिक टन हो जाएगा, जिसमें से गेहूं उत्पादन की बात करेंगे तो कितना है, गेहूं उत्पादन की बात करेंगे तो 63 है, चावल का उत्पादन कितना है तो 76 है, ठीक है, ध्यान में आपको यह रखना है, ठीक है, याद रहेगा। चलिए आगे चलेंगे। अब यहाँ पे ऐसा बीपीएससी प्रश्न पूछ जाएगा, ठीक है, बिहार में वर्ष 2022-23 में, ठीक है, खरीफ सीजन के लिए जो खाद्यान्न उत्पादन हुआ उसके संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। गेहूं उत्पादन, ठीक है, 73 लाख मिलियन टन था, चावल का उत्पादन 76 लाख मीट्रिक टन था, कुल खाद्यान्न उत्पादन 190 लाख मीट्रिक टन था, ठीक है, जबकि अगर बात करेंगे 2021-22 की तुलना में 2022-23 में, ठीक है, ठीक है, राज्य का मतलब खाद्यान्न उत्पादन अधिक था, तो बताएंगे इनमें से कौन सा कथन सही है, ठीक है, एक सही है, दो सही है, एक दो तीन सही है, या फिर एक दो तीन चार सही है, ठीक है, इस तरह का इतना बड़ा प्रश्न बना के दे देगा तो आपको सारा फैक्ट आपको याद होना चाहिए। ठीक है, समझ रहे हैं ना, तो ऐसे में हम लोग पढ़ कर जाएंगे तो हमारे लिए काफी अधिक बेनिफिशियल होगा, ठीक है। चलिए अब देखेंगे, राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 दिया गया है, तो केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय ने बिहार को जल संरक्षण में तीसरा सबसे अच्छा राज्य माना है, ठीक है, बिहार को सबसे राज्यों की श्रेणी में शामिल किया गया है, जल संरक्षण में प्रौद्योगिकी के उपयोग की मान्यता, मोकामा, मोकामा जो पटना में पड़ता है, मोकामा पटना से गंगा बाढ़ के पानी को उठाना और इसे पाइपलाइन के माध्यम से 151 किलोमीटर तक ले जाना ताकि पानी की कमी वाले गया, बोध गया, राजगीर को हर घर, ठीक है, सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराया जा सके, ठीक है, तो हर घर नल जल योजना जो वहां से शुरू हुआ था ना गंगा जल वाला, ठीक है, तीन जिला तीन जगह पे पहुंचाना था ना, गया में था, बोध गया में था, राजगीर में था, बाढ़ के पानी का उपयोग जो अन्यथा हर साल मतलब क्या हो जाता है, बर्बाद हो जाता है, इसलिए बिहार को मतलब राष्ट्रीय जल पुरस्कार में कौन सा स्थान मिला, तो तीसरा स्थान मिला है, ठीक है। बात करेंगे अन्य अन्य जल संरक्षण योजना की बात करेंगे तो गोरल सिंचाई योजना दरभंगा का है, बालूघाट बैराज सब मधुबनी का है, सिंचाई योजना बिहुल की बात करेंगे मधुबनी का है, सिंचाई योजना, ठीक है, मलाई बैराज की बात करेंगे तो रोहतास कुंड नदी पे बक्सर और भोजपुर के सिंचाई पानी उपलब्ध कराएगा, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। उसके बाद बात करें जैतपुरा पंप नहर जो कैमूर में पड़ता है, ठीक है, उसके बाद मुहाने नदी योजना गया में है, ठीक है, उदेर स्थान बैराज जो है नालंदा बिहार शरीफ के पास है, ठीक है, तो ये सारी योजनाएं कहाँ आपकी है, बिहार की है, मैं एक बार पीडीएफ देख लूंगा, देख लीजिएगा, ठीक है, 70वीं बीपीएससी के लिए बहुत अच्छे तरीके से तैयारी कीजिए ताकि एक भी करंट का प्रश्न आपका नहीं छूटे, ठीक है, इसलिए मैंने 1.5 साल का करंट अफेयर्स आपके लिए शामिल कर दिया है टोटल, बिहार और मतलब नेशनल इंटरनेशनल आईटी वगैरह सब। तो गोरल सिंचाई योजना कहाँ का है, दरभंगा का है, बालूघाट बैराज सब मधुबनी का, सिंचाई योजना बिहुल की बात करेंगे मधुबनी का, मलाई बैराज की बात करेंगे तो रोहतास अच्छा कुंड नदी पे बक्सर और भोजपुर के सिंचाई पानी उपलब्ध कराता है, जैतपुरा पंप नहर कैमूर, मुहाने नदी योजना गया, ठीक है, उदेर स्थान बैराज नालंदा बिहार सरकार, ठीक है। अब आते हैं साइकिल योजना, बिहार का साइकिल योजना विश्व में बहुत ज्यादा मतलब प्रचलन में था, रीजन क्या था उसको भी जरा देखेंगे, तो बिहार सरकार की चर्चित साइकिल योजना को जाम्बिया समेत 6 अफ्रीकी देशों ने अपनाया है, बिहार में साइकिल योजना कब लॉन्च हुआ था, 2006-07 में बिहार में साइकिल योजना लॉन्च हुआ था, माध्यमिक शिक्षा के स्तर पर लैंगिक असमानता को कम करने में सफल रहा है, 2015-16 में मॉडल पेश किए जाने के 1 साल बाद जाम्बिया ने अध्ययन किया गया था, ठीक है, तो ध्यान में रखिए जाम्बिया के सहित 6 अफ्रीकी देशों ने भी बिहार के साइकिल योजना को क्या किया है, अपना लिया है। अध्ययन से पता चला है कि स्कूलों में लड़कियों की अनुपस्थिति में 27% की क्या आई है, कमी आई है, देर से आने में 66% की कमी आई है, और स्कूलों में औसत आने का समय में 35% तक मतलब क्या हो गई है, कम हो गया है, ठीक है, तो मतलब आप लड़कियां जो आराम से स्कूल समय से भी पहुंच सकती है समय क्या, ठीक कमी है, दूसरी बात क्या है, से मतलब रेगुलरिटी रहेगी, अनुपस्थिति उनकी कम हो जाएगी, तो इसीलिए जाम्बिया सहित 6 अफ्रीकी देशों ने मतलब बिहार के साइकिल योजना को अपनाया, ठीक है। मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना, ठीक है, ध्यान में रखिएगा, तो मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना, योजना में 6 लाभार्थियों के 2022 में अखिल भारतीय सिविल सेवा परीक्षा यूपीएससी को क्रैक किया है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, तो बिहार के मतलब 6 लाभार्थियों ने 2022 में, ठीक है, अखिल भारतीय सिविल सेवा परीक्षा यूपीएससी को मतलब क्रैक किया, योजना के बारे में
SC ST और OBC महिला उम्मीदवारों को 2018-19 से राज्य और केंद्रीय सिविल सेवाओं परीक्षाओं में तैयारी के लिए वित्तीय सहायता मिलती है, ठीक है। तो 2018-19 से उनको मतलब क्या मिलता है, तो वित्तीय सहायता मिलता है अगर आप BPSC का एग्जाम पास करते हैं या फिर UPSC का करते हैं, ठीक है। तो 2022 में मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना के तहत सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना के हिस्से के रूप में सामान्य श्रेणी के महिला उम्मीदवारों के लिए विस्तारित किया गया, ठीक है। तो महिला किसी भी श्रेणी के रहो, जनरल ही क्यों ना रहो, महिला सारे को लाभ मिलेगा, ठीक है। कोई भी महिला रहो, किसी भी कैटेगरी के रहो, तो डजेंट मैटर, ठीक है। पहले मतलब केवल किसे मिलता था, तो SC ST और OBC को मिलता था, लेकिन बाद में जाके 2022 में, ठीक है, मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना के तहत सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना के हिस्से में सामान्य श्रेणी के महिला उम्मीदवारों को भी शामिल कर दिया गया। किसे लाभ मिलेगा, तो UPSC और BPSC के प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण करने वाली, ठीक है, मुख्य परीक्षाओं की तैयारी करने वाली महिलाओं के कोचिंग, विशेष अध्ययन और मार्गदर्शन के लिए 1 लाख रुपया और 50,000 रुपये दिए जाएंगे, ठीक है। तो BPSC के लिए 50,000 रुपया और UPSC के लिए 1 लाख रुपया सारे महिलाओं को दिए जाएंगे, और लड़कों को भी दिया जाता है, लेकिन उनका कैटेगोरी SC ST होना चाहिए, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो इस तरीके से आपका मतलब क्या हुआ, बिहार का करंट अफेयर इतना ही था, समाप्त हो गया। मुझे पता है अपने ही ग्रुप से इस बार बहुत सारे लोगों को लाभ मिल सकता है, ठीक है, देखते हैं कितने लोगों को मिलता है। एग्जाम तो बहुत लोगों का अच्छा गया है, ठीक है। तो चलेंगे, बिहार के करंट अफेयर्स था, इतना ही था, ज्यादा नहीं था। एक दो चीज मैं रिपीट करवा दे रहा हूँ, ठीक है, दो तीन चीज रिपीट करवा दे रहा हूँ। जैसे पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना क्या है, इसमें 1 लाख से 4 लाख रुपए तक का मतलब क्या मिलेगा, वार्षिक लाभ मिलेगा, ठीक है। किसान क्रेडिट योजना की बात करेंगे तो 38 जिला में चलेगा, जिसमें से 1,50,000 किसान के मतलब क्या चयनित है, 5 अरब रुपये ऋण स्वीकृत किया गया है, ठीक है। दिव्य प्रकाश कौन है, तो नासा के आर्टिमिस मून मिशन में शामिल है, मुजफ्फरपुर के रहने वाले हैं, ठीक है। भूमि इनकी पहचान करना क्या है, तो भूमि इनका पहचान किया जाएगा, रहने के लिए मतलब क्या किया, 5 डेसीमिल का मतलब क्या किया जाएगा, जमीन उनको उपलब्ध करवाया जाएगा। जाति सर्वेक्षण हुआ था, पटना हाई कोर्ट में रोक लगा दिया था, लेकिन पटना गवर्नमेंट बिहार सरकार की तरफ से PK शाही जो कि एडवोकेट जनरल है, उन्होंने मतलब पैरवी किया, और 15 अप्रैल से शुरू हुआ था दूसरा चरण, जो कि 15 मई तक पूरा किया जाना था, जिसको रोक लगा दिया गया था, ठीक है। पर्यावरण मुआवजा की बात करें तो बिहार सरकार पे 4,000 करोड़ रुपया का पर्यावरण मुआवजा लगाया गया है। क्यों लगाया गया है, तो इन्होंने मतलब तरल कचरे का प्रबंधन करने में विफल रहने के कारण, ठीक है, 2 महीना के अंदर इनको राशि को जमा करना है, ठीक है। आगे चलेंगे तो क्या है, भागलपुर में कोयला ब्लॉक मिला है, मिर्जा गांव और लक्ष्मीपुर में मिला है, जहां पे 2300 मीट्रिक टन का अनुमानित भंडार मिर्जा गांव में, और 235 मीट्रिक टन का कहां पे मिला, तो लक्ष्मीपुर में मिला है, ठीक है। किसके द्वारा पहचान किया गया था, कोयला खदान योजना और डिजाइन संस्थान लिमिटेड रांची के द्वारा प्रदान किया गया, ठीक है, मतलब उसकी पहचान की गई। अब आते हैं मिशन परिवर्तन, तो मिशन परिवर्तन का संबंध किससे है, तो स्वच्छता और, ठीक है, आई हेल्प यू डेस्क सहित सभी मेडिकल कॉलेज और अस्पतालों के स्वास्थ्य पे सुधार करना है, मिशन परिवर्तन। चौथा, कृषि रोड मैप की शुरुआत हो गई, ठीक है। इसके लिए सरकार ने 1.62 लाख करोड़ रुपए का लक्ष्य अनुमानित किया, 1 अप्रैल 2023 से शुरुआत हुई है, जो कि 2028 तक चलेगी, ठीक है। बेफिक्रे ऐप आई है, बेफिक्रे ऐप क्या करेगी, तो बिहार में बाढ़ और सूखे प्रभाव को कम करना इसका उद्देश्य है। प्रसूति देखभाल के लिए कौशल संवर्धन केंद्र कहाँ पे खोला गया, पटना में खोला गया। महिला के प्रसूति के समय किस तरीके से उनका देखभाल किया जाए, इसका ये उद्देश्य रहेगा, ठीक है। अब आते हैं मखाना अनुसंधान केंद्र का है, तो RCM कहाँ है, ठीक है, RCM का दरभंगा में है, ठीक है। इसकी स्थापना 2002 में हुई थी, लेकिन इसकी जो राष्ट्रीय दर्जा जो है सो ले लिया गया था, अभी हाल फिलहाल में सरकार ने फिर से इसकी राष्ट्रीय दर्जा मतलब ICAR के द्वारा लौटा दी गया। लोमड़ी अखरोट किसका किस्म है, तो मखाना का किस्म है। मिथिला क्षेत्र के लिए 90% मखाना का मतलब उत्पादन करता है, और मखाना जो क्या है, तो एक तरह का जलीय फसल है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। बिहार का 5वां कृषि उत्पाद मखाना है, लेकिन GI Tech की बात करेंगे तो 15वां नंबर का GI Tech जो है मखाना है, ठीक है। खाद्यान्न उत्पादन की बात करेंगे तो गेहूं में 63 लाख मीट्रिक टन, चावल में 76 लाख मीट्रिक टन है। 2022-23 की बात करेंगे तो टोटल 180 लाख मीट्रिक टन रहा है, जो कि 2021-22 में 184 लाख मीट्रिक टन रहा है, जो कि रिकॉर्ड था, उससे थोड़ा कम हुआ है, ठीक है। राष्ट्रीय जल पुरस्कार में बिहार को जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा जल संरक्षण में तीसरा सबसे मतलब क्या माना गया है, तो सर्वश्रेष्ठ मतलब क्या माना गया है, तो राज्य माना गया है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अब आगे आते हैं साइकिल योजना की बात करेंगे, तो जाम्बिया सहित 6 अफ्रीकी देशों ने इसे अपना लिया। बिहार साइकिल योजना के तहत बच्चों महिलाओं को, ठीक है, साइकिल सॉरी लड़कियों को साइकिल दिया जाता है, 2006-07 में शुरू किया गया था, ठीक है, ध्यान में आपको ये रखना है। बात करें मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना के तहत, ठीक है, जो बच्चे UPSC क्रैक करेंगे उनको 1 लाख रुपए, ठीक है, महिलाओं का, ठीक है, जो BPSC क्रैक करेंगे उनको 50,000 रुपया दिया जाएगा, लेकिन शुरू में 18-19 में राज्य में ये आया था, तो बात करें कि ये केवल मतलब SC ST और OBC महिलाओं को दिया जाता था, लेकिन 2022 में सारे के लिए जनरल कैटेगोरी के लिए भी मतलब खोल दिया गया, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो यही आपका संक्षेप में क्या था, तो बिहार का करेंट अफेयर्स था, जो कि जून महीने का था, जो कि आपका क्या होता है, तो यहाँ पे